हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल यस ट्रेंडिंग फैशन में। गाइस, आज मैं आपको बहुत ही आसान तरीके से लेडीज़ प्लाजो में इलास्टिक डालना सिखाऊंगी। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। लेट्स स्टार्ट। गाइस, अब मैं इसमें बताऊंगी कि इसमें बेल्ट कैसे लगाएं। बेल्ट लगाने का सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊँगी। ये हमारी इलास्टिक है और इसने हमारी कमर का नाप है 37। तो हम इसको नाप लेंगे 37 में से हम 5 इंच कम कर देंगे, क्योंकि ये इलास्टिक है तो ये बढ़ता है। तो इसको 37 हम नाप लेंगे। गाइस, ये इसमें से 5 इंच कम कर देंगे हम। 1 2 3 4 5 32 ले लेंगे हम। 32 पे हम निशान लगा देंगे, ऐसे निशान लगा देंगे। गाइस, इसको हमने काटना नहीं है, सिर्फ इसमें निशान लगाना है ताकि बाद में इसको हमें खींचना है। और इस ये वाला हमारा है पैंट प्लाजो और ये सीधा है दोनों तरफ से। और इसको ऐसे खोलना है और यहाँ से स्टार्ट करना है हमें। गाइस, हमने ये सिलाई लगा दी है। अब इसको हम ऐसे मोड़ लेंगे और ऐसे ही हम इतना इतना मार्जिन देके नीचे की तरफ मोड़ देंगे। और ये जो है इलास्टिक, इसको अंदर की तरफ रखेंगे, नीचे से सिलाई लगाएंगे, इलास्टिक पे सिलाई नहीं लगाएंगे। ऐसे ही हम पूरे में डाल लेंगे। देखिए गाइस, ये हमारा निशान लगाया था हमने। और मेरे पास ये लंबी इलास्टिक है, आपके पास अगर छोटी है तो आप इसको साथ के साथ ऐसे खींच भी सकते हैं। अगर आपके पास लंबी है तो आप यूं का यूं इसको सिलते जाइए और लास्ट में पूरे को खींच दीजिए, ऐसे का ऐसा सिलते जाइए। लेकिन ये ध्यान रखिए कि आपकी सिलाई जो है प्लास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए, ये इस पे आनी चाहिए, नहीं तो बाद में आप खींचेंगे तो आपकी प्लास्टिक खींचेगी नहीं। यहाँ से सिलाई लगाना है। देखिए गाइस, हमारा ये थोड़ा सा बचा है सिलने के लिए। और हमने जो निशान लगाया था वो जब तक बाहर न आ जाए हम इसको खींच लेंगे। ये हमारा निशान आ गया और अब हम इसको यहाँ सील लेंगे। अब हम इसको काट लेंगे और इसको नीचे दबा के ऐसे नीचे दबा देंगे और इसको हम ऐसे ही सिलाई कर देंगे। और गाइस, इसको हमें यहीं पे दबाना है। ये जो हमारा इसके ऊपर चढ़ाया था हमने इसको, और यहीं पे इसको सिलाई कर देंगे। गाइज, इसको हमने इसके ऊपर चढ़ा के इसको अच्छे से स्टिच कर लिया है, इसको बिल्कुल पक्का कर लिया है, ये निकलेगा नहीं। अब हम इसको ऐसे ऐसे खींचते हैं। देखिए गाइज, अब इसमें हमारी कितनी अच्छे से गैदर्स आ गई हैं। अब हम इसके एक बीचों बीच सिलाई लगा लेते हैं ताकि ये इलास्टिक है जो ये मुड़े ना। देखिए गाइज, ये गैदर्स भी यहीं पे इसकी रुकी रहेंगी, ये बीचों बीच जो सिलाई लगेगी ये गैदर्स भी यूं की यूं रहेंगी और इलास्टिक भी नहीं मुड़ेगी। आप इसको ऐसे खींच के दोनों तरफ से ऐसे लगा सकते हैं।
देखिए गाइस कितने अच्छे से हमने इलास्टिक डाली है, कितनी अच्छी इसमें गैदर्स आई हैं। गाइस अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।